आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट को डाउनलोड कैसे करते हैं एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाके यहाँ पे ऑनलाइन एसबीआई सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप उसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे। चलिए हम इतना कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सफलतापूर्वक लॉग इन हो चुके हैं अपने वेबसाइट में। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ई सेवाएं का यहाँ पे विकल्प, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ई सेवाएं के विकल्प को क्लिक करने के बाद आपको पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक डीमैट सेवाएं और एएसबीए सेवाएं का विकल्प, तो आपको उस पर क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे पेज पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीमैट सर्विसेज और आपको उसके नीचे बहुत सारे विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको लाल बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक विकल्प दिखाई दे रहा है डीमैट विवरण एसएसएल एनएसडीएल। अगर आपका डीमैट खाता अगर एनएसडीएल में है तो आप यहाँ पे इस विकल्प चुनेंगे। अगर आपका खाता सीडीएसएल में तो आप दाएं साइड वाले विकल्प चुनेंगे जहाँ पे लिखा है डीमैट विवरण एसएसएल सीडीएसएल। तो हमारा खाता यहाँ पे एनएसडीएल में है तो हम यहाँ पे इस विकल्प चुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे अपना खाता चुनना है। तो आपका जो भी यहाँ पे बैंक खाता यहाँ पे डीमैट अकाउंट के साथ यहाँ पे लिंक है तो आपको वही चुनना है। तो हमारे यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पे लिंक है तो हम इसको चुनेंगे और प्रोसीड के बटन में क्लिक कर देंगे। चलिए हम इतना कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसीड के बटन में क्लिक करने के बाद हम दूसरे वाले पेज पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे एक बहुत सारे विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, खाता विवरण होल्डिंग डिटेल्स स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन बिलिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन वाला यहाँ पे विकल्प चुनना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन वाले यहाँ पे पेज पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी डीपी आईडी को यहाँ पे चुनना है। चलिए हम इसको चुन लेते हैं। तो यहाँ पे डीपी आईडी हमने यहाँ पे चुन ली। इसके बाद हम यहाँ पे दिनांक अंकित करेंगे कि कब से कब तक की हमें स्टेटमेंट चाहिए और उसके बाद देखे वाले बटन में क्लिक कर देंगे। चलिए हम इतना कर लेते हैं। तो देखे वाले बटन में क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुल के आया है जहाँ पे हमारी पूरी डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आपको पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना होगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे की ओर यहाँ पे विकल्प दिखाई देगा डाउनलोड पीडीएफ, जो लाल बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, आपको उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप विंडो खुल गया है डाउनलोड करें। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट है आप सफलतापूर्वक डाउनलोड हो चुकी है। आप भी चाहें तो इसी तरह डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट को एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।